गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज फिर से एक बार आप सबके सामने लाइव हुआ हूँ। जैसे हफ्ते में दो दिन मैं अपने पेज से लाइव होता हूँ, या तो किसी लीडर की स्पीच आपको सुनने को मिलती है या फिर मैं बातें करता हूँ। आज भी उसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने लाइव हुआ हूँ, और आज मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त टॉपिक, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, किसी भी काम में अगर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी फोकस हटा, हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। सेम हियर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, अगर हम किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हमारा फोकस हटता है, समझ लीजिए हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। हम जो प्रयास कर रहे थे, कहते हैं ना कि सही डायरेक्शन में, यानी सही दिशा में किया गया प्रयास ही हमारी दशा को बदल सकता है। अगर दिशा गलत हुई, हमारी दशा नहीं सुधरने वाली, हमारी दशा भी गलत हो जाएगी, हमारी दशा भी बिगड़ती चली जाएगी। सक्सेसफुल होने के लिए सही डायरेक्शन का होना ज़रूरी है, और उस डायरेक्शन पे, उस पथ पे, उस दिशा में फोकस होना बेहद ज़रूरी है। फोकस होकर के ही हम काम कर सकते हैं। अगर उस पथ पे, उस रास्ते में कोई डिस्ट्रैक्शन मिलता है, बहुत निगेटिविटी मार्केट में है। आप मार्केट में जब भी निकलते हैं अपने काम के लिए, सामने से एक बंदा आता है और वो इतना ज़्यादा निगेटिव है, वो अपनी बातों से आपको इतना निगेटिव कर देता है कि आपका सारा मोटिवेशन, आपकी सारी एनर्जी वहीं धरी की धरी रह जाती है। आप घर से मोटिवेटेड होकर के, किसी की स्पीच सुन करके मोटिवेटेड होकर के निकलते हैं, बिल्कुल गुब्बारे की तरह आपका छाती फुला होता है कॉन्फिडेंट के साथ, और कोई सामने से आता है, वो इतना निगेटिव पर्सन है कि आपके अंदर भी निगेटिविटी बढ़ता है, यानी आपके फुले हुए छाती, है ना, चौड़े छाती में एक पिन चुभाता है, आपकी सारी एनर्जी वहीं निकल जाती है, सारा मोटिवेशन ख़त्म, काम करने की उस दिन की इच्छा ही ख़त्म। फोकस करना तो दूर की बात, तो फोकस होकर रहना बहुत ज़रूरी है, अपने डिस्ट्रैक्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं एक बात मेरे दिमाग में आई, मेरे किसी सोशल मीडिया पोस्ट पे एक पोस्ट था जिसमें लिखा था कि वो बंदा आया तो पैदल था, और मुझे बड़े बड़े सपने दिखाकर, ऑडी गाड़ी दिखाकर, बंगला दिखाकर चला गया, और ख़ुद चला आया था पैदल। मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे वो कोई भी इंसान, आपके सपने अगर आपको खुद दिखा रहा है, आपके सपनों को जागृत कर रहा है, आपके अंदर जो छुपे हुए कलाकार हैं उसको निखारने की कोशिश कर रहा है, तो जो बंदा आपको बता रहा है, जाहिर सी बात है वो भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है कुछ आगे बढ़ के कुछ सक्सेस पाने की। कोई भी इंसान किसी भी इंडस्ट्री में जब पैर रखता है, इंडस्ट्री के लिए वो बच्चा होता है, बिल्कुल नया उसका बर्थ होता है, जन्म होता है उस इंडस्ट्री में, धीरे धीरे वो सीखता है और फिर वो ग्रो होना शुरू होता है। जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी जो पैदा होता है, आप देखें हैं कभी कि कोई बच्चा पैदा लेते ही और बहुत सारे खिलौने साथ में ही लेता आए जो उसके मन पसंद लायक है,
जो वो 10 साल में जो चीज़ें पसंद करेगा वो साथ में लेके आया है क्या? नहीं। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, ग्रो करता है, फिर उसकी पसंद की चीज़ें उसको मिलती जाती हैं, जिस चीज़ के लिए वो जिद करता है, ज़िद्दी हो जाता है, पेरेंट्स भी उसको दिलाने में पीछे नहीं हटते हैं। उसी तरह से किसी इंडस्ट्री में अगर आदमी गया, काम शुरू किया, तो वो ज़ीरो होता है, ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा होता है, जीरो से स्टार्ट करने करते करते ही वो आगे बढ़ता है। अच्छा, जब जीरो होता है तो उसके पास बहुत कुछ नहीं होता है, तब से वो ऑडी गाड़ी में नहीं चल रहा होता है, तब से वो एक बड़े से महल में नहीं रह रहा होता है, तब से वो एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी रहा होता है, वो उन सब चीज़ों को पाने की कोशिश कर रहा होता है और उस डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता है। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे जब कोई आपको आकर बताता है, यानी एक तरह से वो इस इंडस्ट्री में पहले से है, सीनियर है, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, अभी चाहे निचले पायदान पे ही क्यों ना हो, लेकिन उसे ऊपर जाने का शौक है, ऊपर आगे सक्सेसफुल होने का शौक है, और वो साथ में आपको भी लेके जाना चाहता है। यानी वो कहता है कि आ मैंने ऐसा काम शुरू किया है जहाँ पे मैं भी सक्सेसफुल होऊंगा और साथ में तू भी सक्सेसफुल होगा। ये कैसे होता है? एकमात्र दुनिया की ये ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बंदा आपके साथ, जो आपका सीनियर है, वो आपके साथ ऐसा कमिटमेंट करता है। अगर उसे सक्सेसफुल होना है तो वो कमिटेड होता है कि भाई अगर आपको वो सपने दिखाया है कि तेरे पास भी कल को एक अच्छी लग्जरी गाड़ी होगी, तेरे पास भी तेरे जो भी सपने हैं, जो भी गोल तूने बनाया हुआ है, सारे तू अचीव कर सकता है। अगर उसने आपको ये सपने दिखाए तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही इंडस्ट्री है जहाँ पे वो आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ता जब तक के आपके सपने पूरे नहीं हो जाते, आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। दुनिया में और कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी रोजगार, कोई भी जॉब, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। और आप जब उस बिजनेस में, उस जॉब में जाएंगे तो उस कॉम्पिटिशन में आपके पैर खींचने वाले भाड़े पड़े हैं, हाथ खींचने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, सब जगह टांग खींचने वाले हैं। अगर आपकी तरक्की हो रही है तो उसके उसकी जलन में मरने वाले बहुत सारे हैं, और उस जलन में आपके लिए बहुत सारे लोग गलत कदम उठा लेते हैं, आपका टांग खींचते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको हाथ खींचने वाला चाहिए, हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ाने वाला, खींचने वाला चाहिए, या आपके टांग को खींचने वाला चाहिए। आपको आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपका टांग खींच करके नीचे गिराने वाला चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र दुनिया में, सिर्फ इसी इंडस्ट्री में ऐसी बातें होती हैं कि आपको सक्सेसफुल कराने के लिए आपका अपलाइन, आपका सीनियर, जिसने आपको ये प्रोजेक्ट दिखाया, ये बिजनेस दिखाया, आपके अंदर वो सपने जगाए जो आप चाहते थे या आपने कभी सोचे नहीं थे, आपको सोचने पे मजबूर किया कि हाँ आप भी एक अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हो, आप भी अपने घर के हालात कैसे बदल सकते हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, हेल्थ चैलेंजेस हो, कैसे सुधार सकते हो। अगर उसने आपको सपने दिखाए हैं, आपका एक गोल दिखाया है आपको, तो सिर्फ और सिर्फ एक यही इंडस्ट्री है जहां पे वो आपके गोल तक पहुंचाने में आपका साथ देता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा जॉब नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन है तो वहां पे लेग पुलिंग करने वाले भरे पड़े हैं, आपकी तरक्की होने नहीं देते। दूसरी इंडस्ट्री, दूसरी कंपनी, दूसरे बिजनेस, रोजगार में, व्यवसाय में, अगर किसी भी सिस्टम में आप देखें तो मैनेजर का एक ही पोजीशन होता है, एक ही मैनेजर बन सकता है उस सिस्टम में। जब तक वो मैनेजर है तब तक दूसरा नीचे वाला, चाहे कितना भी एक्सपीरियंस वाला हो, टैलेंट वाला हो, वो मैनेजर नहीं बनेगा, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, जगह खाली नहीं है। जब जगह खाली होगी या तो वो बंदा छोड़ के जाएगा या रिटायर होगा, तभी वो जगह खाली होगी, वो वैकेंट होगा जगह, तो आपको प्रमोट करके बिठाया जाएगा। दूसरी बात, आप तो प्रमोट होंगे, साथ में आपका सैलरी भी प्रमोट होगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, तब जाके आपको प्रमोट किया जाएगा, दोनों साथ में जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उसी पोजीशन के लिए आपसे कम पैसे में काम करने वाला अगर बंदा मिल गया तो कंपनी आपको प्रमोट भी नहीं करेगी और उस बंदे को आपके ऊपर बिठा देगी।
लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एक नहीं तादाद ही नहीं मालूम है, अनलिमिटेड। अगर आप एक लेवल के लिए एलिजिबल हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैनेजर लेवल, तो उस मैनेजर लेवल पे यहां पे गिनती ही नहीं है कि कितने लोग मैनेजर हैं। एक पोस्ट एक पोजीशन नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा ना, श्री अमिताभ बच्चन एक शो चलाते हैं कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें पूछते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेकिन हमारा ये प्लेटफॉर्म, हमारा ये सिस्टम ये कहता है कौन कौन बनेगा करोड़पति। जितने लोग चाहें, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर वो ताकत है, तो कर दिखाइए, आइए, आपको मौका दिया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने काबिलियत को निखार सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इस इंडस्ट्री की देन है जहां पे आप जब तक कामयाब नहीं होते हैं, आपका सारा सिस्टम, आपका सारा मैनेजमेंट, आपका अपलाइन, सबसे बड़ा रोल अपलाइन का होता है। वो आपको तब तक गाइड करता रहता है जब तक आप उसके गाइडेंस में सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप सीखिए, सिस्टम फॉलो कीजिए। इसके इतने अच्छे एजुकेशनल सिस्टम है, ट्रेनिंग सिस्टम है, जितना चाहे सीख सकते हैं, किसी चीज की लिमिट नहीं है। और जब सीखने की लिमिट नहीं है तो जीतने की लिमिट नहीं है। लोगों की लाइफ में लोग एक गोल सेट करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में ये काम कर जाना है। लेकिन यहाँ इस प्लेटफॉर्म की देन है कि यहाँ लोगों के गोल भी हायर होते चले जाते हैं। कुछ दिन में एक गोल अचीव कर लिया, अब उसकी लाइफ पूरी बची है। जो वो नॉर्मल लाइफ में 50 साल में एक गोल अचीव करने की बात करता है कि मैं अपने लाइफ में ये गोल अचीव करूँगा, ये काम कर जाऊँगा, इस प्लेटफॉर्म पे वो हर 2 साल में अपना गोल बड़ा कर लेता है, अपने एक्सपेक्टेशंस हाई करता चला जाता है, अपने ड्रीम्स को बड़ा करता चला जाता है। आप बताइए कि दूसरा कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, दूसरा कौन सा ऐसा संस्था है, दूसरी कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप अपने गोल हमेशा चेंज कर सकें। आप अपने गोल को आप टाइम टू टाइम अचीव करते गए और अचीवमेंट आपकी बढ़ती चली गई, गोल आपका हाई होता चला गया। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं देता आपको, सिवाय इस इंडस्ट्री के। दूसरों की बातों में ना आए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्शन जब आए तो आप याद करें कि आपने यह काम क्यों शुरू किया था। जब डिसीजन ले तो यह स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले कि मुझे करना है तो बस यही करना है, इसके सिवा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आपके पास एक ऑप्शन जब रहेगा तो आप फोकस करेंगे, आपको फोकस करने में हेल्प करेगा ये। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आप सोचिए कि आपने यह काम क्यों शुरू किया था। आपने कुछ टाइम जब दिया है तो क्यों दिया है, क्या रीजन है। याद एक्शन से बचना बहुत जरूरी है। इसलिए उन लोगों की बातों पे ध्यान न दें जो आपके अंदर निगेटिविटी डालते हैं। देखिए, जब ओरिजिनल आया मार्केट में, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मार्केट में पहले 2000 का नोट नहीं हुआ करता था। जब नोटबंदी हुई उसके बाद मोदी जी ने 2000 का नोट लॉन्च किया था। 2000 का नोट जब आया तभी मार्केट में उसका डुप्लीकेट भी आया। उसके पहले 2000 का डुप्लीकेट नहीं हुआ करता था, 2000 के नोट कभी किसी ने नहीं देखे थे। दैट मीन्स कि जब ओरिजिनल आता है तभी उसका डुप्लीकेट भी आता है। ओरिजिनल जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा डुप्लीकेट नहीं आएगा। सेम हियर, सेम कंडीशन यहां भी है कि ये इंडस्ट्री अगर एथिकल है और इसमें जो कंपनी उस एथिकल सिस्टम पे काम कर रही है, उस ओरिजिनल फॉर्मेट पे काम कर रही है, तो उसका डुप्लीकेट भी है। डुप्लीकेट में लोग धोखा खाते हैं, डुप्लीकेट कंपनियां आती ही हैं लोगों को धोखा देने के लिए। चिटफंड कंपनियां उनको कहते भी हैं, आपके पैसे लगवाती हैं और कुछ दिन में रफू चक्कर हो जाती है सारे पैसे लेकर के।
लेकिन जो ओरिजिनल कंपनी है वो पैसे नहीं लगवाती है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो कंपनी 98% काम कर चुकी होती है, 2% आपको काम करना होता है और आपका काम सिर्फ परफॉर्म करना होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं भी कर दिखाता। लीजिए, आपके पास मौका है, कर दिखाइए ना। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, हर किसी के पास चल के नहीं आते, तो मौका है, दिखाइए, कर दिखाइए, हो जाइए सक्सेसफुल। मैंने तो कहा कि आप किसी जगह अगर मैनेजर के लिए पोस्ट ढूंढेंगे तो एक मिलेगा, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जितने चाहे वो लेवल अचीव कर सकते हैं। ये नहीं कि एक बंदा मैनेजर बन गया, मैं नहीं बन सकता, आप भी बन सकते हैं, वो भी बन सकता, वो भी बन सकता, वो भी बन सकता, सारे बन सकते हैं। पोटेंशियल आपके अंदर होनी चाहिए, मेहनत आपका होना चाहिए। सिस्टम में बने रह के मेहनत कीजिए, बिल्कुल मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगा। घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, खुद चल के अपॉर्चुनिटी भी आया है और साथ में पैसा भी लेके आ गया, नहीं। अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने आया, आ भी गया ना बैठे बैठे, तो उस अपॉर्चुनिटी को स्वीकार करके काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करना पड़ेगा। सिखाने का काम हमारा प्लेटफॉर्म कर रहा है, अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, हर चीज दे रहा है जो आपके ग्रो होने में चाहिए। नीलोफर खान जी, गुड मॉर्निंग। मैं डिस्ट्रैक्शन पॉइंट पे इसीलिए बात कर रहा हूं, आप किसी भी जगह डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप किसी से अगर राय लें, मशवरा लें, तो आप उनसे लीजिए जो उस फील्ड के मास्टर हैं, उस फील्ड के माहिर खिलाड़ी हैं। एक बिजनेसमैन है जो बिजनेस करता है, और दूसरा जॉब वाला, किसी के यहाँ रोजगार पे काम कर रहा है, किसी के यहाँ लेबर पे काम कर रहा है। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आप चूज कर सकते हैं कि किससे आप जाकर के आइडिया लेंगे कि भैया मुझे बिजनेस शुरू करना है, मुझे काम अपना करना है, किससे मैं आइडिया लूँ। क्या आप उस लेबर से जाकर के आइडिया लेंगे या फिर आप उस जाकर के बिजनेसमैन से लेंगे आइडिया? आप खुद समझदार हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में पता नहीं लोग आते हैं तो उनकी मति मारी जाती है या क्या होता है, उनको अच्छा बताइए। और वो बंदा बता रहा है जो इस काम को ऑलरेडी कर रहा है और एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो बंदा उसको बताता है कि भाई देख, ये ऐसा ऐसा सिस्टम है, इसमें तुम ऐसे ग्रो कर सकते हो, एक सक्सेसफुल लाइफ एंजॉय कर सकते हो, अपने लाइफ में जो भी सपने देखे पूरे कर सकते हो। ये सारी कहानी, सारा सिस्टम समझने के बाद वो जाकर के राय ऐसे व्यक्ति से लेता है जो अपने लाइफ में 10,000 रुपए भी महीना नहीं कमा रहा है। उसके सामने जाके पूछता है कि भाई देख, ऐसा 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 मैंने देखा है, क्या है सही क्या है गलत। भाई जिसने आपको 1,00,000 रुपए कमा करके दिखा रहा है कि मैं भी कमा रहा हूं, तू भी आएगा तो तू भी कमाने लगेगा, ये बंदा उसकी बात को नेग्लेक्ट करके, दरकिनार करके जा करके राय लेता है ऐसे व्यक्ति से जो कमा ही नहीं रहा है। जो कमा नहीं रहा है उसका माइंडसेट ही ऑलरेडी पहले से निगेटिव है, वो तो आपको निगेटिव कर ही देगा कि अरे यार मत पड़ो उस चक्कर में, 2,000-5,000 यही कमा लेगा, कहां जा रहा है 1,00,000 रुपए कमाने। डिपेंड करता है आप पे, आप किस माइंडसेट से काम कर रहे हैं, किस माइंडसेट से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, पर आप क्या सोचते हैं, आप किस हिसाब से ले रहे हैं। आपको सामने से अगर बंदा कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप देखिए तो सही, सीखिए तो सही, समझिए तो सही। आप फर्स्ट डे ही हाथ मत डाल लीजिए। आपको अगर कहा जाए कि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 10-15 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए लगा करके, इन्वेस्ट करके आप बिजनेस शुरू करेंगे, तो क्या आप पहले दिन ही शुरू कर देंगे? नहीं, आप 5 लाख 10 लाख लगाने के पहले ना 5 लाख बार ऐसे ऐसे लोगों से मिलेंगे जो उस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं, उस बिजनेस को कर रहे हैं, उससे आइडिया लेंगे कि भाई कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे कैसे काम करूंगा कि मुझे नुकसान ना हो, मैं लॉस में नहीं जाऊं। लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री वाले से नहीं पूछते, इस बिजनेसमैन से नहीं पूछते, और जाकर के ऐसे व्यक्ति से पूछते हैं जिसको कोई आइडिया नहीं है, वो आपको निगेटिव कर देता है। जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई थी वो अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है और आप हाथ मलते रह जाते हैं। आपका लेवल चेंज क्या होगा, आप जिस हाल में रहते हैं उसी हाल में रह जाते हैं।
लेकिन जो बंदा आपको आया था अपॉर्चुनिटी दिखाने, वो जब 2 साल 4 साल 5 साल बाद मिलता है, तो जो बंदा पैदल आया था, आज वो आपके सामने एक अच्छी गाड़ी, एक लग्जरी गाड़ी में आ रहा है, सूट बूट में, उसका सारा हुलिया चेंज हो चुका है, तब आप अफसोस करते रह जाते हैं कि काश जिस दिन ये बताया था उसी दिन मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया होता। और तब वो बंदा आपको कुछ नहीं बोलता है, अपनी फिजिक दिखाता है, अपनी गाड़ी दिखाता है, और आपको एक बार भी नहीं कहता कि तू भी ये काम कर ले। फिर आप खुद से कहते हैं कि भाई मुझे भी बता दे कोई काम वाम कि मैं भी ऐसा बन जाऊं। देखिए ये सोचने वाली बात है, जहां कुछ नहीं लग रहा है और फिर भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस प्लेटफॉर्म में इतनी पोटेंशियल है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, तो ज़रूर देखें, ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों के साथ बैठकर समझें। एक दिन मत समझें, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाएं आप उससे समझें, वो बंदा समझाएगा आपको, लेकिन समझें उसी फील्ड के बंदे से जिस फील्ड का काम आप करने जा रहे हैं, जिस फील्ड का की अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। अगर उससे हट के दूसरे फील्ड के, दूसरी इंडस्ट्री, दूसरे जॉब के लोगों से, तो वो माइंडसेट आपको वैसा ही देंगे जैसा वो कर रहे हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म में ऐसी खासियत है, यहाँ पे ही ऐसे लीडर हैं जो महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमा रहे हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि मैं भी कमाऊँ 40-50 हज़ार, तो कम से कम 1 लाख रुपए कमाने वाले से ट्रेनिंग लेंगे, तभी तो सीख पाएंगे, तभी तो सिखा पाएगा वो। या 50 हज़ार कमाने वाले से सीखेंगे तो वो 50 हज़ार क्या 20 हज़ार ही कमाना सिखाएगा? जो लाखों कमा रहा है वही लाखों कमाना सिखा सकता है आपको। और इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत है। मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इसके बारे में सुने, समझें, अपने हिसाब से, अपने स्तर से जो रिसर्च करना है करें। प्रूवन है, ऑलरेडी प्रूवन प्लेटफॉर्म है। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम और भी ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, और आज का वक्त मेरा ख़त्म हो रहा है, मुझे इजाज़त दीजिए आप लोग, और फिर आगे आप लोगों से मुलाकात करेंगे, किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। आज मेरा टॉपिक था डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्ट कभी ना हो, आपके पास दिमाग है, अपने दिमाग से, दिल से फैसला करें, अपने एंड से रिसर्च करें। जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, अगर उस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उस फील्ड में कामयाब हुए लोगों से ही राबता कायम करें, संपर्क करें, कनेक्ट करें, और आप आगे बढ़ सकते हैं।